देखो ये चक्की है, ये आटा पीसने की चक्की का एक नमूना है, है? आटा पीसने की चक्की का एक नमूना है। इस चक्की में क्या होता है कि एक ये जो पार्ट है इसका, एक पाटा है, ये एक पाटा है, कैसा होता है ये स्थिर रहता है नीचे, है? इसमें क्या है, एक कील लगी होती है, ठीक है, इस तरीके से एक कील लगी होती है। दूसरा इसके ऊपर एक पाटा ये होता है जिसमें कि इन्हें सुराख होता है, छेद होता है और ये घूमता है, ठीक है। इस पाटे को ऐसे हम लोग ऐसे रख देते हैं, ठीक है, समझे? अच्छा, अब हमने खास तौर से इस विज्ञान को बताने के लिए, मैं समझता था कि तुम एक दिन जरूर इसके बारे में पूछोगे, तो हमने पहले से ही इसमें निशान बनवा रखे हैं, पहले ही से इसमें सुराख करा रखे हैं। देखो जब हम इस सुराख में इसको हैंडल को हम लगाते हैं, ठीक है, इस हैंड हत्थे को जब हम इस सुराख में लगाते हैं तो क्या होता है कि हम देखते हैं चक्की बड़े आराम से घूम रही है, है? ऐसे 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 है? ऐसे बहुत आराम से घूम रही है। लेकिन जब हम इस हत्थे को यहाँ इस सुराख में लगाते हैं तो देखते हैं कि थोड़ा मुश्किल पड़ रही है, थोड़ी मुश्किल पड़ रही, मुश्किल से घूमती है, है? लेकिन जब हम इसको इस सुराख में लगाते हैं तब देखें क्या होता है, तब तो बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत बल लगाना पड़ रहा है, बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इस जैसे जैसे हम कीली की तरफ इसको आते जाते हैं हमको ताकत बल अधिक लगाना पड़ता है। तुम भी करके एक बार देख लो, आकाश देखो, पहले यहां से लगा के देखो, हाँ देखो चल, ये तो बहुत आसान से चल रही है, ठीक है, शाबाश। अब इसमें चलो, इसमें थोड़ा बल लगाना पड़ रहा है, बल लगाना पड़ रहा है, थोड़ा और अधिक बल लगाना पड़ रहा है। अब इसमें लगाओ, ये तो बहुत कठिनाई से चल रही है, नहीं चल पा रही है, बहुत कठिनाई से चल रही है। तो छोड़ो, मैं बताता हूँ इसमें एक विज्ञान, वो विज्ञान की बात मैं बताता हूँ कि जैसे हम इसको इस सुराख पे रखते हैं, इस कीली से हम दूर ले जाते हैं, ठीक है, या इस कीली से हम ऐसे कहें इस केंद्र से हम इसको हैंडल इस हत्थे को दूर ले जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत आसानी से घूमती है। इसके मतलब ये हुआ कि ये एक बल आघूर्ण का सिद्धांत है, ये बल आघूर्ण का सिद्धांत है। लेकिन पापा बल आघूर्ण होता क्या है? बल आघूर्ण, ठीक है, वही मैं बताने जा रहा हूँ कि बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण होता है कि जो हम एक बल लगा रहे हैं, और उस बल के ये और इसके बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल, बल जो लगा रहे हैं और लंबवत दूरी का गुणनफल जो होता है उसको बल आघूर्ण कहते हैं। तो अब बल आघूर्ण इस स्थिति में बल आघूर्ण जो है बहुत ज्यादा है, देखो क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है, ये ऐसे ऐसे घूमा जा रहा है, है? कितना आसानी से घूम रहा है, तो दूरी सबसे ज्यादा है तो बल आघूर्ण बहुत ज्यादा हो गया, तो बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन जब हमने इसको इस सुराख में लगाया तो अब लंबवत दूरी क्या हो गई, कम हो गई, तो थोड़ा मुश्किल से घूम रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हमने बताया बल और लंबवत दूरी का गुणनफल होता है, तो इसमें दूरी कम हो गई तो गुणनफल भी कम हो जाएगा, गुणनफल कम हो गया तो बल आघूर्ण भी कम हो जाएगा। जब बल आघूर्ण कम हो गया इसकी तुलना में, यहाँ इस क्षेत्र में बल आघूर्ण कम हो गया तो ये मुश्किल से घूम रहा है। लेकिन जब हम इसको और बिल्कुल पास में ले जाते हैं तब दूरी बहुत कम हो गई, है? इस स्थिति में दूरी और लंबवत दूरी और बल का गुणनफल क्या हो गया, कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। इस स्थिति में बल आघूर्ण हमारा बहुत कम हो गया, तो अब देखो बहुत कठिनाई से घूमता नहीं है, बहुत कठिनाई से घूमता है। तो अब समझे बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण वो होता है कि बल और लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बल आघूर्ण हमारा बढ़ता जाएगा। लेकिन भाई ये चक्की है, चक्की का पार्ट है, हैंडल हम चक्की के ऊपरी तो रख सकते हैं, चक्की के बाहर रख नहीं सकते, इसलिए चक्की के अंदर ही हम हैंडल लगाते हैं। तो सबसे आखिर में इस केंद्र से हम सबसे ज्यादा दूरी पर हम इसको लगाते हैं जिससे हमारा अधिकतम बल आघूर्ण हमको प्राप्त हो सके, समझ गए?
अब हम चलो तुम लोगों को एक और बहुत अच्छा सा प्रयोग करके दिखाते हैं, ठीक है? आइए हमारे साथ ये देखिए संभाल के। अब बच्चों देखो, ये 1 2 3 4 हैंडल लगे हुए हैं, ठीक है, इस दरवाजे में। अब तुम रोज देखते होगे कि हाँ, सभी दरवाजों में हैंडल, इस यहाँ पे जो कब्जे लगे हैं, इस कब्जे से हैंडल इतनी दूर क्यों लगाया जाता है? सभी घरों में, सभी स्थानों में जहाँ दरवाजे लगे होते हैं, कब्जे से और हैंडल की दूरी अधिकतम रखते हैं, आखिर में लगाते हैं खोलने बंद करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि सबसे पास करके देखते हैं, ये कब्जा है यहाँ इसके सबसे पास में है ये हत्ता। हम इस हत्ते को धक्का दें, देखें दरवाजा खुलता है, बहुत मुश्किल से खुलता है, बहुत मुश्किल से खुलता है। अच्छा अब हम इस दूसरे वाले दें, देखें ये थोड़ा आसानी से खुल रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम ये तीसरे वाले हत्ते पे जोर लगाएं, देखते हैं कैसा लगता है। ये देखो थोड़ा और कम बल लगाना पड़ा हमको, और आसानी से खुल गया। जब हम आखिरी वाले बिल्कुल किनारे वाले हत्ते पे लगाते हैं, इससे आगे तो हम दूसरा हत्ता लगा नहीं सकते, क्योंकि दरवाजे की चौड़ाई इतनी ही हमारी, इससे आगे तो हत्ता लग नहीं सकता, तो सबसे आखिरी हत्ता ये होगा। इस हत्ते लगाते हैं तो बहुत आसानी से देखो खुल बंद हो रहा है। आओ आकाश तुम भी देखो, तुम भी इस प्रयोग करके देखो। तो बहुत कठिनाई से खुल रहा है, बहुत अधिक बल लग रहा है। और इसमें थोड़ी सी ताकत लग रही है। अच्छा और इसमें? और इसमें थोड़ा सा कम। और ये तो आराम से ही खुल रहा है, बहुत आराम से खुला जा रहा है। तो इसके लिए ये चार गुटके लगाने का हमारा ये तो इस तुम लोगों को इस विज्ञान के बारे में समझाने का था। देखो यहाँ पे कब्जा लगा हुआ है, इस कब्जे से लंबवत दूरी ये हो गई, ये इतनी दूरी हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतनी दूरी हो गई, ये इतनी दूरी हो गई, और इस तीसरे हत्ते के लिए लंबवत दूरी क्या हुई, यहाँ से यहाँ तक हो गई, ये अधिक दूरी हो गई, और इसके लिए यहाँ से यहाँ तक हो गई, ये सबसे अधिकतम दूरी हो गई। तो हमने बताया कि बल और लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे दूरी कम है, इसके मतलब क्या, बल आघूर्ण कम होगा, गुणनफल है ना, बल और दूरी का लंबवत दूरी का गुणनफल को ही तो बल आघूर्ण बताया था हमने। तो अब यहाँ पे क्या है, बल आघूर्ण क्या है, बहुत कम होगा, लेकिन जब दूरी बढ़ाई तो इसकी तुलना में, इस हत्ते की तुलना में यहाँ पे बल आघूर्ण थोड़ा ज्यादा हो गया, क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब ये दूसरे की बात हुई, लेकिन तीसरे केस में क्या हो गया, तीसरी स्थिति में जब ये लंबवत दूरी यहां से यहां तक देख रहे हैं, इसके तुलना और दूरी बढ़ गई, जब दूरी और बढ़ गई तब क्या होगा, बल आघूर्ण हमारा और ज्यादा बढ़ गया, बल आघूर्ण और बढ़ गया, तो यहाँ हमको थोड़ा और आसानी से खुलने लगा। लेकिन जब चौथी स्थिति पे हम आ गए, दरवाजे की पूरी चौड़ाई पे आ गए, यहाँ पे पूरी चौड़ाई है दरवाजे की, अब इसके आगे तो हैंडल लग नहीं सकता, इसके आगे हैंडल लग सकता है, नहीं लग सकता। तो हम जब बिल्कुल आखिर में आए तो अब बल आघूर्ण हमारा क्या हो जाएगा, दूरी सबसे ज्यादा हो गई, तो बहुत आसानी से खुलने लगा, बल आघूर्ण बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि हमारा ताकत तो टीम लगा रहे थे, हम अपना बल तो उतना ही लगा रहे थे। तो हमने देखा कि दूरी बढ़ने से, लंबवत दूरी बढ़ने से बल आघूर्ण अपने आप ही क्या होता है, बढ़ जाता है।